भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग लंबे समय से हो रही है, लेकिन सरकार अब जाकर थोड़ी गंभीर हुई है। लोकसभा में अंग्रेजी बोलने वाले गृहमंत्री पी चिदम्बरम ने भोजपुरी बोलकर यही संदेश देने की कोशिश की है। हम रावा सबके बावना समझौतानी संकल्प, आई अगेन रिपीट, हम रावा सबके बावना समझौतानी संकल्प। अंग्रेजी बोलने वाले चिदम्बरम का भोजपुरी प्रेम, संसद में भोजपुरी बोलकर जीता सबका दिल। गृह मंत्री पी चिदम्बरम को आपने अंग्रेजी बोलते सुना होगा, कभी कभार थोड़ी बहुत हिंदी बोलते भी सुना होगा, लेकिन गुरुवार को संसद में भोजपुरी बोलकर उन्होंने भोजपुरी भाषा बोलने समझने वाले सांसदों समेत सभी सांसदों को हैरत में डाल दिया। अगेन रिपीट, हम रावा सबके बावना समझौतानी संकल्प, आई अगेन रिपीट, हम रावा सबके बावना समझौतानी संकल्प। चिदम्बरम का ये भोजपुरी प्रेम भोजपुरी भाषा को संविधान में छठवीं अनुसूची में डालने के मसले पर संसद में हुई बहस के दौरान दिखा। इस मौके पर सरकार ने ऐलान किया कि भोजपुरी को मानसून सत्र में छठवीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा। चर्चा में सांसद जगदम्बिका पाल, शैलेंद्र सिंह और रघुवंश प्रसाद सिंह ने हिस्सा लिया। चर्चा के बीच सांसद उमा शंकर सिंह ने भोजपुरी में बोलना शुरू किया, लेकिन स्पीकर ने उन्हें ये कहते हुए रोका कि सदन में भोजपुरी का कोई ट्रांसलेटर नहीं है। हालांकि खुद मीरा कुमार ने उम्मीद जताई कि सरकार जल्द ही लोगों की इच्छा पूरी करेगी। हमारे गृह मंत्री जी जो अधिकांश अंग्रेजी में ही बोलते, मैंने उन्हें हिंदी में भी बोलते नहीं सुना है, लेकिन आज वो भोजपुरी में बोले हैं और उन्होंने आशा व्यक्त की है कि वो जल्दी एक खुशखबरी के साथ लौटेंगे। मैं आशा करती हूँ जल्दी लौटेंगे। चिदम्बरम साहब को, सोनिया गांधी जी को सबको बधाई देता नहीं, आज स्वीकार कर लेना अगले सत्र में अगर के हम पास कर दें। सरकार के ऐलान से एक ओर जहां तमाम भोजपुरी कांग्रेस सांसद खुश हैं, वहीं बीजेपी और जेडीयू ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाया है। स्पीकर महोदया ने कहा कि रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, आप भोजपुरी में बोल रहे हैं, और फिर स्पीकर साहिबा की बात का उल्लंघन करके वो भोजपुरी में बोल रहे हैं, तो वो कैसे रिकॉर्ड में जाएगा? तो यह हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है। भोजपुरी का इलाका बहुत बड़ा है, इतनी सरल और सहज बात है, कुछ सरकार कमेटियों को सपोर्ट करती है, और चूंकि अटल जी जो है इस इलाके के थे तो उनको मालूम था कि क्या कौन सी, तो उनने कोई कमेटी के बगैर मैथिली को आठवीं सूची में डाल दिया। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रणब मुखर्जी ने भी भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में डालने का समर्थन किया है। बहरहाल इस सपने को साकार होता देखने के लिए सबको मानसून सत्र तक का इंतजार करना पड़ेगा। भोजपुरी लगातार सुदृढ़ होती रही है, लेकिन आज तक आठवीं सूची में स्थान नहीं बना पाई। लेकिन अब स्थिति भिन्न है, तमिल भाषी गृह मंत्री ने भोजपुरी में आश्वासन दिया है और अब तय है कि भोजपुरी के आठवीं सूची में स्थान प्राप्त कैला से केहू ना रोक सकेला। इस समय दिल्ली से कैमरामैन तारा दत्तपंत के साथ संजीव त्रिवेदी।